नमस्कार दोस्तों, मैं नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ धनबाद जंक्शन में, जिसका स्टेशन कोड है DHN। जब भी आप सर्च करेंगे, जो कि धनबाद जंक्शन आपको बता दें, जो कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते भी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही है धनबाद जंक्शन का मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप इन करेंगे और सामने के लोकेशन से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 18 जो है वो ट्रैक हैं। और साथ साथ में अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अलग अलग गाड़ियाँ अलग अलग ट्रेनें आती हैं। यहाँ पे आप रिटायरिंग रूम कैसे बुक कर सकते हैं और डॉर्मेटरी रूम, जो कि लगातार हम आपको अलग अलग जगह का वीडियोज दिखा रहे हैं डॉर्मेटरी रूम और रिटायरिंग रूम का, तो उनमें से अगर आप धनबाद आते हैं तो यहाँ पे आप कैसे बुक कर सकते हैं और किस तरीके से आप रुक सकते हैं और कितना प्राइस पड़ेगा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियोज में देने वाले हैं। साथ साथ में रूम का भी टूर करवाने वाले हैं। यहाँ जो अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हैं तो उसका जो प्राइस आपको पड़ेगा वो लगभग 70 रुपीज़ पड़ेगा, जो कि 70 रुपीज़ में ऑनलाइन में अगर आप करवाएंगे तो कन्वीनियंस चार्ज वगैरह जोड़ के 83 रुपीज़ आपका पड़ जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं तो 75 रुपीज़ आपको यहाँ पे जमा देना पड़ेगा, जो कि पूछताछ के बगल पे ही केबिन है, जहाँ पे आप आराम से जमा कर सकते हैं पैसा और फिर वहाँ से जो है आप आराम से जो है बुक करवा सकते हैं और फिर जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हैं ये जो मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से अगर आप इन करेंगे तो ये प्रवेश द्वार के पास ही आपको पूछताछ मिलेगा और पूछताछ के बगल पे ही अंदर जब आप जाएंगे तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, फर्स्ट फ्लोर में जाना है वो हम आपको अभी दिखा देंगे। फर्स्ट फ्लोर में आप जाइएगा, वहीं पर आपको जो है टिकट बुक करवा लेंगे और उसके बाद वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे रूम मिल जाएगा, वहाँ पे रुक जाइएगा और फिर जो है आप स्टे कर सकते हैं। तो 24 घंटे का 75 रुपीज़ लगेगा, जो कि बहुत ही कम है। अलग अलग स्टेशनों में अलग अलग रेट रहता है, लेकिन धनबाद की तुलना से यहाँ बहुत ही कम है, चूँकि यहाँ पे जब आप आएंगे DGMS जाना हो या फिर अन्य कोई काम होता है तो आप यहीं पर रूम ले लें, चूँकि होटल वगैरह अगल बगल में तो मिलेगा, चूँकि ये मार्केट में जंक्शन है और स्टेशन को DHN है। जब भी आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा और यहाँ पर क्या है कि आप सस्ते में अच्छे से रुक सकते हैं और वाशरूम वगैरह सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आपको इन करना है और कैसे आपको डॉर्मेट्री रूम पे जाना है। तो ये है आपका धनबाद जंक्शन, जहाँ पे आप रिटायरिंग रूम या डॉर्मेट्री रूम जब आप बुक करेंगे तो कहाँ पे है और क्या क्या चीज़ें, पूरी जानकारी और रूम का टूर भी हम आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि अगर आप धनबाद आ रहे हैं ना और कभी भी आपका यहाँ पे काम हो रहा है ना, तो आप 70 रुपये में ऑफलाइन बुक करा सकते हैं और जो ऑनलाइन है वो आपका 15 रुपये कन्वीनियंस चार्ज वगैरह जोड़ के 83 लगभग पड़ेगा। तो ये देखिए, अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर में इसका जो है वो रिटायरिंग रूम है और रात को जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे 70 रुपये में 24 घंटे के लिए है, बहुत जगह पे होता है 12 घंटा, लेकिन यहाँ पे आपको 24 घंटे का सुविधा मिलेगा। ये आपका पार्किंग एरिया पूरा पड़ जाता है और जैसे ही यहाँ से इन करेंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर में ही है। अभी हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं, पूछ के बताते हैं, चूँकि ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है ताकि आप रिटायरिंग रूम देख सकें और कभी भी आएँ तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि हर एक रेलवे स्टेशन का हम रिटायरिंग रूम टूर करवाते हैं और उसी में आज हम धनबाद जंक्शन पहुंचे हुए हैं, जो कि झारखंड का फेमस रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है, जहां पे आपको देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से ना सामने की लोकेशन में एग्जिट होइएगा ना, यहीं पर आपको मिलेगा जहाँ पे, यहाँ पे आप ऑफलाइन रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं ये वाले केबिन में, और ये सामने का लोकेशन में यही ऊपर की ओर जाती है, जो कि रूम की ओर जाएगी। तो कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते तो ये काउंटर में आपको घुसना है, जो कि पूछताछ के बगल में मिलेगा और फिर यहाँ से बाहर ऊपर एक जगह विश्रामालय इधर ही आई थिंक, देखते हैं कहाँ पे है डॉर्मेट्री रूम। ये पूरा रूम जो बना हुआ है वो वैसे ही है जैसे होना चाहिए। दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे ना, देखिए अलग अलग जो है यहाँ पे बना हुआ है रिटायरिंग रूम एसी का, ये पूरा जो है ये एसी का है। अभी हम डॉर्मेट्री वाले में जा रहे हैं, ये आपको एसी वाला मिल जाएगा, एसी का है। तो धनबाद में खाली रहता है, जब भी आप आइएगा ना पूरी तरीके से आपको खाली मिलेगा। यहाँ पे आपको पानी के लिए मिल जाता है और साथ साथ में ये है अपना रूम, ये देख सकते हो दोस्तों, यही है रूम, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा जब आप डॉर्मेट्री रूम बुक कराएंगे, जो कि धनबाद में अगर आप बुक कराते हैं तो ये है आपका लोकेशन, जो कि कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप देख सकते हैं ये पूरा रूम है, अगर आप देखें ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से आप एग्जिट होंगे, और इस साइड पर देखें तो इधर जो है आपका ये जो है बेड लगा हुआ रहता है, 6 बेड बेसिकली होता है, 6 बेड का जो है आपको मिलेगा, जो कि 1, 2, 3 और 3 इस साइड पे लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको एक जो है लॉकर का सुविधा मिलता है, जहाँ पे लॉकर में आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं अगर इमरजेंसी में आपको रखना है, और साथ साथ में उसके लिए आपको अलग से लॉक लगाना पड़ेगा और वो लॉक लगा के और फिर यहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये रूम का टूर है, बेड को देखिए, तो ये पूरा बेड है, देखिए इस तरीके से आपको बेड मिलता है, जो कि ये मोटा है, हालाँकि अच्छा है लेकिन साफ़ सफाई उतना नहीं है पहले की तरह। इधर अगर आप देखें तो ये पलंग है,
जो कि इसी पलंग में आपको मिलेगा। ये जो बेल सीट है और पिलो कवर और पिलो, ये दोनों आपको जो है वहीं पे मिल जाएगा। जब आप जाएंगे तो वहाँ सामने के लोकेशन में आपको जो है जो लोग बैठे हुए रहेंगे वो आपको दे देंगे। यहाँ पे एक टेबल भी है, कुछ कुछ जगह पे आप जाएंगे बहुत स्टैंडर्ड तरीके से होता है, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल है। और ये देखिए चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे टूटा हुआ है, ये बनना चाहिए, नहीं बना हुआ है। नीचे जो है थोड़ा बहुत जो है गंदगी है, तो वो भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इसी तरीके से मिलेगा जो कि आपको डॉर्मेट्री में। ये नॉन एसी का है, अगर आप एसी में बुक कराते हैं तो उसमें क्या है कि एसी वाला रूम मिलेगा और साथ साथ में ये नॉन एसी है। इसके साथ साथ में अगर हम बता दें तो प्राइस की बात, तो प्राइस हर एक रेलवे स्टेशन का अलग अलग होता है। यहाँ का 70 रुपया, कहीं का 50 रुपया, कहीं का 100 रुपये पड़ता है। इस तरीके से आपको पड़ जाएगा प्राइस का। और रूम जो है यही मिलेगा, 6 लोग इसमें सोते हैं, 3 लोग उस साइड 3 लोग इस साइड, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप सो सकते हैं। दोनों साइड पे वॉशरूम होता है, वॉशरूम का भी हम टूर करवा देते हैं। और ये खिड़की विंडो है और 4 पंखे लगे हुए हैं ऊपर में, आप देख सकते हैं ये पंखा है 4। और 2 पावर स्ट्रिप बोर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है। मिरर में आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे मिरर में भी आप देख सकते हैं। और ये कुल मिलाकर यही है अभी सुबह का मॉर्निंग का टाइमिंग में हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ में अगर हम और चीज़ों की बात करें यहाँ पे, तो और हम आपको दिखा देते हैं वॉशरूम वगैरह। ये वॉशरूम है, जहाँ पे वॉशरूम में जाने के लिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये आपका रूम था, रूम के दोनों साइड पे 2 वॉशरूम है, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे। दोनों साइड पे अगर हम वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे एक डस्टबिन भी लगाया गया है। ये बाहर का लोकेशन है और डस्टबिन के साथ साथ में ये वॉशरूम है। देखिए यहाँ का वॉशरूम कुछ इस तरीके से है, एक बेसिन मिल जाता है सामने के लोकेशन में। ये आपका बेसिन है जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, मुँह कान धो सकते हैं। और ये सामने एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे टॉयल रखने का स्टैंड है। इसके साथ साथ में यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है। यहाँ पे झरने लगाए गए हैं बट झरने काम नहीं करता है। और ये देखिए यहाँ पे आपको एक नल मिल जाएगा और ये आपका पानी का है। और सामने के लोकेशन में नल के बगल में जो है बाहर निकलने के लिए पानी दिया गया है। यहाँ पे आप वॉशरूम में जो है यहाँ पे आप वॉशरूम कर सकते हैं, इस तरीके से मिलेगा। वॉशरूम के बगल में एक डब्बा चाहिए जो कि लोग यूज कर सके, लेकिन यहाँ पे देखिए डब्बा वगैरह नहीं, एक ही डब्बा है जो कि नहाने का है। तो कुछ ऐसे भी अगड़म बगड़म आते हैं जो इसी डब्बे से उसको वॉशरूम को यूज़ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर देख रेख होना चाहिए और थोड़ा सफाई होना चाहिए, सफाई भी थोड़ी सी गंदगी है। आप देखिए ये सामने के लोकेशन में ये तो इंडियन यहाँ पर वॉशरूम आपको मिलता है, कई जगह पर जो है इंडियन और जो है बाहर वाला दोनों मिलता है, अंग्रेजी बोलते हैं जिसको। ये बाहर का लोकेशन है। दूसरा वॉशरूम की बात करें तो दूसरा उस साइड पे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और ये कुल मिलाकर रूम है जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो अगर इस वॉशरूम में देखें ना, देखिए ये दूसरा वॉशरूम है जो कि इसका भी स्थिति और आलम यही आपको मिलेगा। ये वैसिन मिल जाता है और ये वॉशरूम की सुविधा, इधर आपका नल, यहाँ पर तो आपका यहाँ पर तो आपका वो भी नहीं है यार, नहाने का भी नहीं है। देखिए ये स्थिति और आलम है, तो ये थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, बिल्कुल टूटा पड़ा है ऊपर में भी अगर आप देखें तो। ये धनबाद का ये सुधार होने की आवश्यकता है, इधर भी झरने वगैरह टूटा पड़ा है और बिल्कुल गंदा है। तो ये वॉशरूम जो है सफाई करना चाहिए, सफाई वाले आते भी नहीं है, पता नहीं एक दिन हम रुके हैं अभी तक नहीं आया है। तो सफाई वाला आना चाहिए और वॉशरूम को साफ़ और क्लीन करना चाहिए। बेड वगैरह भी ऐसे ही है, जब भी आप आइएगा ना तो आप अपना जो है टॉवेल, ये टॉवेल साथ साथ में ये बेल सीट और पिलो कवर, ये आप अपना ज़रूर ले लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, यही जो था रूम टूर था फिलहाल इस तरीके से। देखिए ये आपको रूम मिलेगा सकते हैं। इसमें जो बुकिंग कराने के लिए सबसे पहले आपको IRCTC में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप जाएंगे रिटायरिंग रूम पे, और रिटायरिंग रूम पे जाकर और फिर वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो स्टेशन आपका डेस्टिनेशन है धनबाद, और धनबाद जंक्शन में फिर आप जो है रूम चूज करेंगे। D1, D2, D3 3 रूमें हैं जो कि नॉन एसी है, और नॉन एसी में जब आप बुक करवाएंगे तो नॉन एसी वाला जो रूम आपको पड़ेगा वो 25 रुपीज पड़ेगा इस वाले स्टेशन में धनबाद में। 25 रुपीज में आप आराम से जो है बुक करा सकते हो और फिर आप यहाँ पे 24 घंटे के लिए रुक सकते हैं, 24 घंटे का 25 रुपीज, जहाँ पे आपको एक बेड मिलता है, इसके साथ साथ में बेल सीट और ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा जो कि मैंने आपको दिखाया कैसे आपको लेना है, और वो सारे लेके और फिर आप वहाँ पे आराम से 24 घंटा स्टे कर सकते हैं। और अगर आपका टिकट कंफर्म है तो उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, 24 घंटे से 48 घंटे भी वो हो जाता है। अगर पहली बार अगर आप बुक करवा रहे हैं तो पहले तो आपको 24 घंटा बुक करवाना और फिर 48 घंटा आपको कर देना। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, अगर आप ऑनलाइन करवाने नहीं जानते, IRCTC से नहीं कर पाते
तो सामने के लोकेशन में पूछताछ के बगल में टीटी बैठता है, वहां पे जाइएगा, रिटायरिंग रूम कहिएगा हमको डॉर्मेट्री वाला बुक कर दीजिए, नॉन एसी वाला, तो नॉन एसी वाला वो कर देंगे, जो कि 70 रुपए आप उसको दे दीजिएगा। अगर आप दो लोग साथ में आते हैं तो एक साथ में आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, जो कि रिटायरिंग रूम का मतलब होता है कि वो शेयरिंग में नहीं होता, वो पर्सनल होता है, यानी कि उसमें दो लोग आप आराम से रुक सकते हैं। अगर आप कपल हैं तो भी आप आराम से दो लोग रुक सकते हैं, अगर आप फैमिली वाले हैं तो भी आप आराम से दो तीन लोग चार लोग एक रूम आप बुक करा के रुक सकते हैं। और जो डॉर्मेट्री होता है उसमें शेयरिंग होता है, 6 बेड होते हैं जिसमें से आपको शेयरिंग करके रुकना पड़ेगा अलग अलग लोगों के साथ में। तो ये है कि ये दोनों चीजों जो है ये मैंने आपको दिखाया धनबाद जंक्शन का, कि जब आप आएंगे तो ये दोनों चीजों को आप बुक करा सकते हैं। अगर रिटायरिंग कराना है रिटायरिंग करवा लीजिएगा, अगर आपको डॉर्मेटरी शेयरिंग में रुकना है तो शेयरिंग वाले में करवा लीजिएगा, अगर आप अकेले हैं तो शेयरिंग में करवा लीजिएगा, सस्ता सुविधा पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ हैं या फिर आप जो है अपने कपल वाले लोग हैं तो आप जो है रिटायरिंग रूम बुक करवा सकते हैं, जो कि शेयरिंग वाला नहीं, वो पर्सनल आपको मिल जाएगा और उसमें आप आराम से स्टे कर सकते हैं, चाहे 24 घंटा 48 घंटा आपको रुकना है तो। होटल का सुविधा भी मिल जाएगा लेकिन वो थोड़ा महंगा है, तो इसीलिए आपको हम प्रेफरेंस करेंगे कि आप यहीं पे लें यही सुविधा में, और ताकि आपको रूम भी अच्छा मिले और सारी चीज़ें मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये रूम का टूर और साथ साथ में ये इन्फॉर्मेशन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और जगह पे नए वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।